हाँ जी ब्रह्मा द्वारा द्वारा फिर मीडिया कहा जाए ना, तो क्या मीडिया रहा 40 वर्ष और ब्रह्मा नाम कब पड़ा? '46-'47 में ब्रह्मा नाम पड़ा, '46-'47 से लेकर के '68 में शरीर छोड़ दिया, तो 40 वर्ष कहाँ हुए? है? फिर किसके लिए कहेंगे 40 वर्ष? प्रजापिता। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए 40 वर्ष। हाँ, फिर आगे आगे उतने बाप के पार्ट में चलता है क्या? बाप के पार्ट में प्रजापिता ब्रह्मा बाप नहीं है? नहीं बाबा। चला गया क्या? नहीं बाबा। अरे तो क्या पूछ रहे हैं फिर? नहीं, दोनों ही दोनों कौन? दोनों कौन? कौन दोनों? प्रजापिता ब्रह्मा के। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा ये एक व्यक्तित्व अलग, और सिर्फ ब्रह्मा ये ब्रह्मा कहलाने वाले तो अनेक हैं, वो अलग, तो किन दोनों की बात कर रहे हैं? नहीं बाबा, ब्रह्मा से अलग और शंकर के पास से अलग है। इसीलिए शंकर का ब्रह्मा क्या अलग है? 40 वर्ष चलेगा क्या ऐसा बोलते? 40 वर्ष चला कहाँ? 76 तक। कौन से ब्रह्मा का 40 वर्ष चला? 76 से 40 वर्ष चलेगा या नहीं चलेगा ये? अरे 40 वर्ष पूरे नहीं हुए? 2018 तक 40 वर्ष होगा ना। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं। हाँ, ये बात तो पिछली वाणी में ही बता दी कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो कब थे तमो प्रधान? 76 में तमो प्रधान थे। ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है। कौन था सबसे जास्ती तमो प्रधान? प्रजापिता नहीं? नहीं बाबा। है? नहीं। क्यों? वो बाप का पैर वो है ना। अम्मा ज्यादा तमो प्रधान थी। उसने तुमको कोई दुख दिया क्या? है? अम्मा ने तुम्हें ज्यादा दुख दिया दे दिया क्या? फिर लक्ष्मी नारायण जन्म होता है ना? है 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ बुद्धि से, बुद्धि में बैठ गया कि लक्ष्मी नारायण कौन है। एक की बुद्धि में नहीं, अनेकों की बुद्धि में बैठ गया, जैसे कि लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया। इसलिए मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। और शिव रहस्य जो है, शिव रहस्य है, वो गीता से भी पुराना माना जाता है, और उसका जो माना जाता है वो लोगों के भक्ति मार्ग के लोगों के द्वारा माना जाता है या भगवान ने बताया? भक्ति मार्ग वालों को पता ही नहीं कि ऐसा कोई पुस्तक है। क्यों नहीं है? शिव महापुराण बनाया है तभी तो बनाया है कि वो रहस्य को बताना चाहते हैं। शिव महापुराण जैसे और पुराण पंथी चली है,
सबसे पहले आए वेद, वेदों के बाद आए आरण्यक, आरण्यक के बाद उनकी व्याख्या हुई तो बने ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर बने पुराण, वो उपनिषद, उपनिषदों की व्याख्या हुई तो पुराण पंथी चल पड़ी, ढेर सारे पुराण बन गए उनमें, महाभारत पुराण भी है, शिव पुराण भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, ढेर के ढेर पुराण बना दिए। और शिव तो पतितन में ही प्रवेश करता है, तो पतितन करके उसका क्या प्रूफ बताया? पतित का अर्थ नहीं बताया मुरली में, क्या बताया है? अनेक जन्म लेने वाले, फिर कौन बताएगा पतित का अर्थ क्या बताया? नीचे गिरे, स्मृति से नीचे गिर जाए, स्मृति में कुछ भी याद न रहे, स्मृति भ्रष्ट हो जाए, कर्मेंद्रियों से नीचे गिर जाए, घड़ी घड़ी कर्मेंद्रियों की शक्ति छीण होती रहे। तो मुरली में बताया है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से आत्मा सबसे जास्ती पतित होती है। कोई जरूरी नहीं कि शादी होती है उसके बाद ही पतितपना ज्यादा होता है, नहीं, मेंटलिटी सबसे जास्ती गिरती है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से, उसी को पतित कहा जाता है। नहीं तो पूछते रहते हैं, प्रजापिता तो कुमार था, वो महापतित कैसे कहा जाए? अरे कुमार था तो क्या हुआ, शादी करने से ही पतित बनते हैं क्या? नहीं, शादी न करने पर भी अगर उपन्यास ज्यादा पढ़े हैं, फिल्में ज्यादा देखी हैं, तो बुद्धि कहाँ रमण करती रहेगी? उन्हीं चित्रों में बुद्धि रमण करती रहेगी, तो मेंटलिटी नीचे गिरेगी ऊपर उठेगी, नीचे गिरेगी, इंद्रियां भी घड़ी घड़ी निस्तेज होती रहेंगी, सभी इंद्रियां। और ऐसे बताने पर भी मानते नहीं है बाबा, है ऐसे बताने पर भी हाँ नहीं है कि फिर भी वो भी पतितन है करके, फिर भी ऐसे बताने पर भी हाँ मानने के लिए तैयार नहीं है कि कौन नहीं मानते? अभी हमारा तो इंटरनेट में डिबेट चल रहा है इसके ऊपर, तो उन्हें 98 के अखबार दिखा दो, वो भी बताया हाँ, फिर भी ये थोड़ी ना कोई प्रूफ है कि वही पतितन है, हम क्यों माने ये पतितन? ग्लानी सबसे जास्ती किसकी, काले की होगी या गोरे की, लक्ष्मी नारायण की होगी? कृष्ण काला है तो ग्लानी होती है, या कृष्ण गोरा है तब ग्लानी होती है? जरूर काला कर्म किया है तो ग्लानी होती है। तुम गोरे बनेंगे तो किसी की ताकत है जो ग्लानी कर सके? बोला जा रहा है कि हम तो खुद भी होटलों में खाते हैं, पिक्चर भी जाके देखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, कौन सी बड़ी समप्रधानता की बात? तुम और भी धंधे करते हो हाँ, और बोल 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 जोर से बोल। हाँ जी, 76 को पहले बाबा तो खाली वेद शास्त्र ये सब पढ़े थे ना, उपन्यास कहाँ पढ़े थे? ब्राह्मणों की दुनिया में उपन्यास लिखने की शूटिंग होती है या नहीं होती है? होती है।
तो ब्राह्मणों की दुनिया के उपन्यास सबसे जास्ती नीचे गिराने वाले होंगे, भगवान की ग्लानी करने वाले होंगे, या बाहर के उपन्यास ज्यादा ग्लानी करने वाले होंगे? है ब्राह्मणों की दुनिया में उपन्यास कौन सा होता है? क्यों ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग के उपन्यास नहीं बने? एक अद्भुत जीवन कहानी, ये उपन्यास नहीं है? योग की विधि और सिद्धि, मोटा सा ग्रंथ बना दिया, उसमें सच्चाई है क्या? तो फिर ब्राह्मण दुनिया से फिल्म कौन सा होता है? ब्राह्मण दुनिया में ये फिल्में दिखाई नहीं जा रही, राजयोग वगैरह, ये सच्ची हैं। आप क्या सच्ची समझते हैं इनको? सच्चा समझते हैं? फिर ऋग्वेद में तो साफ लिखा है कि मूर्तियों की पूजा नहीं होनी चाहिए, हैं? ऋग्वेद में, हाँ, ऋग्वेद में तो ये भी लिखा हुआ है, रावण और ब्रह्मा, ऋग्वेद में तो बहुत सच्चाई लिखी हुई है, इसलिए बोला भी है मुरली में। पहले शास्त्रों में बहुत कुछ सच्चाई थी, बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करने वालों ने सारा सत्यानाश कर दिया। वेद में तो ये भी लिखा हुआ है, पहले हम भगवान आपको सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब हम आपको सर्वव्यापी मानते हैं। तो वेदों के टाइम पर ही तामसी स्टेज होने लगी थी। और उसने का अर्थ ये था बाबा कि अगर ऋग्वेद में ही ये चीज आया हुआ है, ऋग्वेद में जब ये चीज आया हुआ है और मोहम्मद ने जब इस्लाम धर्म के स्थापना के टाइम पे सब मूर्तियों को उसने वेद बनाए गए हैं द्वापर के आदि में, और मोहम्मद आया है द्वापर के अंत में, तो इसकी शुरुआत अगर हम ऐसे माने कि ये तो यहीं से शुरुआत हो गई थी कि मूर्तियों की पूजा नहीं होनी चाहिए? नहीं, उस समय तो मूर्ति पूजा की बहार थी द्वापर के आदि में। इस्लामी जब यहाँ से भाग गए अरब देशों में, तो वहां जाकर के ढेर की ढेर मूर्तियों देवताओं की बना करके पूजा करने लग पड़े। लगभग 1000 वर्ष के बाद मोहम्मद आए, तब उन्होंने वो बुत परस्ती खत्म करवाई, सारी मूर्तियां तोड़ दी। शुरुआत हम यही करेंगे ना कि ऋग्वेद में जब आया हुआ, ऋग्वेद तो उससे पहले आया हुआ है, तो उसकी शुरुआत तो यही से हुई कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। वेद माने ब्रह्मा के निकले हुए महावाक्य, ब्रह्मा के निकले हुए महावाक्य तो मुरली है। मुरली में सब कुछ आया है, दुनिया की सारा ज्ञान है उसमें, वेदों में ही ऐसे सारा ज्ञान है, लेकिन अर्थ नहीं जानते। वैदिक भाषा ही भूल गए। और तो घर में पति बहुत मुश्किल देता है। व्यक्तिगत बातें छोड़ो, ज्ञान की बात उठाओ। वो पूछने के लिए बोला, आज नहीं आया, संगठन में आया। तो क्या हुआ? वो बहू के हाथ में खाना, नहीं तो आप बेंगलोर में नहीं था ना, वो क्लास में नहीं था ना, ऐसे बोल रहे। घर में सभी लोग इकट्ठा होते है, वो बहू बांधेली माता को कंडीशन करते है, बहू भी ऐसे करते है। हाँ। वो कोई उनका घर में तो माता का पति नहीं है, पति है, पति भी ऐसे बोल रहे है, बहू को हाथ में खाने के लिए बोल रहे। उम्र क्या हो गई? वो 50 साल हो गया। 50 साल हो गई उनका बहन वो बांधेली होता है ना, वो ना संगठन में आया, आज नहीं आया, वो पूछने के लिए बोल रहा था। क्या पूछने के लिए? वो बहू के हाथ में खाना है, वो सभी लोग ऐसे उनको डांट रहे, नहीं तो क्लास में नहीं जाना, वो बेंगलुरु में नहीं जाना, उनको हाथ में खाने तो बेंगलुरु में जाना, क्लास में जाना, ऐसे कंडीशन करता है सभी लोग का, बेटा पति बहू का। उसकी आत्मा में पावर होगी तो छोड़ के भाग जाएगी, क्या कर लेगा कोई? और
बाबा अक्षय तृतीय के टाइम पे काफी लोग सोना खरीदते हैं। अक्षय तृतीय के टाइम अक्षय तृतीय जो आती है ना, अक्षय तृतीय, अक्षय तृतीय, हाँ जी, उस टाइम पे लोग सोना खरीदते, उसका कोई वेद का क्या अर्थ होगा? उसका नाम ही है अक्षय। अक्षय माने जिसका क्षरण नहीं होता, जो विनाश नहीं पाती, ऐसी तृतीय दूज को मुसलमान लोग मानते हैं, दूज का चांद, लेकिन तृतीया को हिंदुस्तान में बहुत महत्व है, इसलिए कि तीन आत्माएं मिलती हैं। एक है अंधेरे का स्वामी, जिसको कहते हैं राकापति, राका माने रात, और एक है अविनाशी, जिसका क्षरण नहीं होता, वो है आदिपिता, और एक ऐसा है जो द्वापर सत्युग त्रेता में तो रहता है, विष्णु के रूप में राज्य भी चलता है, द्वापर कलयुग में क्षरित हो जाता है। तो तीनों के योग से बनता है त्रिमूर्ति शिव, वो अक्षय है, उसका बनाया हुआ, उसकी रचना भी अक्षय है, जो देवी देवता सनातन धर्म है, और सब धर्म क्षरित हो जाते हैं, देवी देवता धर्म कभी क्षरित नहीं होता। ऐसी तृतीया जब आती है तो सोना खरीदते हैं, सोना माने सच्चाई, तीजरी की कथा भी मनाती है, उसका अर्थ भी यही है, तीसरा नेत्र खुलने की कथा। और तमिलनाडु में अमावस्या का दिन तो सोना तो खरीदते ही है, बहुत पड़ेगा तमिलनाडु में, लोग काट दिया दूसरी माता ने, वो नहीं काटा है, कुछ भी हो माता जी बोल रहे, कुछ भी काम कर रहे थे, वो बढ़ेगा अमावस्या का दिन है, सोना खरीदते हैं। तो अमावस्या के बाद बढ़ता नहीं है चंद्रमा है, शादी के अमावस्या का बाद तो सबसे, हाँ जी, हाँ जी। और बाबा बहुत ही शास्त्र है, बहुत ही शास्त्र शास्त्र अनुसार बिग बैंग को गॉड पॉट जो कहते हैं, बिग बैंग, बिग बैंग से यूनिवर्स उत्पन्न हुई है, और मोदी जी ये काम है उसमें यूनिवर्स, उसको ये हाइड्रोजन बादल का टकराव से उत्पन्न होता है गर्मी, गर्मी से हल्का वजन वाली खनिज भारी वजन वाली बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, जिसमें पृथ्वी भी बनती है, इसमें पृथ्वी भी बनती है, भारी एलिमेंट्स वाली पृथ्वी बनती है, बनती है। अच्छा, माने पृथ्वी पहले नहीं थी, वो पृथ्वी पहले नहीं थी, इसका मतलब पृथ्वी पहले नहीं थी, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऐसे नहीं है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऐसे नहीं हुआ। ये बिग बैंग की रचना किसने की, बिग बैंग का रचयिता कौन है, बिग बैंग का रचयिता कौन है, शास्त्र अनुसार, भौतिक विज्ञान शास्त्र अनुसार ये कहते हैं वो गर्मी से उत्पन्न हुए, क्या एटम ये हाइड्रोजन क्रोशन बादल वो टकराव से उत्पन्न होता है गर्मी, वो गर्मी से हल्का वजन वाली एलिमेंट्स भारी वजन वाले बनते हैं फ्यूजन शक्ति द्वारा, हाँ, इसको कहते हैं गॉड पार्टिकल, ये ऐसा कहना उचित है या क्या? भगवान जो कहता है वो उचित है, और मनुष्य जो कहता है सब अनुचित है, वो ये साबित करते हैं पृथ्वी पहले थी ही नहीं, भगवान तो कहता है दो चीजें
कभी नष्ट ही नहीं होती। एक तो एलिमेंट और दूसरी आत्मा। आत्मा अजर हमारे अविनाशी है और एलिमेंट भी नष्ट होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। एलिमेंट से ही ये सृष्टि बनी है, ये सृष्टि भी अनादि है। तत्व बाबा ये भी बोलते हैं ये भौतिक शास्त्र में एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, वो भी है ना? वो क्या क्या बोलते हैं, वहाँ तुम्हारी बुद्धि भटक रही है कि नहीं? वो जो कुछ बोलते हैं उसमें तुम्हारी बुद्धि भटक रही है या एक भगवान के बोले हुए में भटक रही है? कहाँ भटक रही है? दोनों में भटक रही है। दो नाव में पैर हो तो क्या हाल होगा? ये भी सच्चा हो सकता है, वो भी सच्चा हो सकता है, ये भी भगवान हो सकता है, वो भी भगवान हो सकता है, ये भी तत्व की बात कहता है, वो भी तत्व की बात कहता है। इसका मतलब खुद फैसला है, खुद फैसला नहीं किया। राइट क्या है, रंग क्या है, माने बुद्धि भटक रही है या ठिकाने लग गई? ऐसा लगता है ये सच बोल रही है, साइंटिस्ट वाले सच बोल रहे हैं, माने भगवान झूठा हो गया उस समय। नहीं बाबा, लेकिन उसको प्रूव कैसे करेंगे? साइंटिस्ट वालों को बताया कैसे, साइंस वालों को समझाए कैसे? क्या ये आदि अनादि है, इसका कोई है नहीं, तो कोई विनाश हो, ये कोई क्रिएट नहीं हुआ है, वो हमें समझाए ना आगे पहले? तो मैथमेटिकली हम नहीं मानेंगे ऐसे, पहले हमें समझाओ। उनके कह देने से हम थोड़े ही मान लेंगे। उसका प्रूफ, वो सब समझाओ। और अपना अलग चीज डालो इसके लिए। किसने जो कहा? सत्यवचन महाराज। तो संस्कार उदय हो रहे हैं, 70 साल हो गए सर खपाते खपाते बाबा को। बाबा 2018 में भगवान का प्रत्यक्षता मौन तब से होगा है, मौन तब से प्रत्यक्षता होगा 2018 में। भगवान कहाँ से प्रत्यक्ष है? मुरलियों में क्या बताया भगवान कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? माउंट आबू से तो नहीं बताया। प्रत्यक्ष करेंगे विदेशी, विदेशियों की आवाज को रिसीव कौन करेगा? दिल्ली, दिल्ली। तो कहां से प्रत्यक्ष होगा? दिल्ली से प्रत्यक्ष होगा, आवाज निकलेगी कलकत्ते से। है ये नहीं, आवाज जो है कलकत्ता पे आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा विदेशियों का। उस समय 2018 में जब प्रत्यक्षता होती है, उस समय कहां होगा? कौन कहां होगा? बाबा तो पहले मुक्ति धाम में होता है, विष्णु होता है जीवन मुक्ति धाम में। दो ही तीन ही तो दुनिया बताई है, एक दुखधाम, एक सुखधाम और एक शांति धाम। कोई शांति धाम के वासी होंगे, शांति देवा के बच्चे होंगे, कोई सुखधाम के वासी होंगे, सुखदाता के बच्चे होंगे, कोई दुखधाम के वासी होंगे। बाबा कहाँ हो बाबा? अरे बाबा सारी दुनिया को मुक्ति देता है या नहीं देता है?
तो सारी दुनिया को बाबा के सिवाय तो मुक्ति कोई दे नहीं सकता, तो मुक्ति धाम कहाँ होगा? माउंट आबू होगा। है ये नहीं बात बताई कि परम धाम से आवाज निकलेगी, आवाज तो विदेशों से ही निकलेगी, लेकिन उस आवाज को रिसीव कौन करेगा? है दिल्ली रिसीव करेगी। भारत का विदेश से निकलेगा या है? भारत के विदेश से तो 86-87 में निकल चुका ना, नहीं तो यहाँ बैठे काहे के लिए? जिस समय एडवांस पार्टी में प्रत्यक्षता हुई तो भारत के विदेश से हुई या दुनिया के भी विदेश से हुई थी? भारत के विदेश से हुई, वो तो हो गया। हाँ जी, दुनिया के विदेश में है। हाँ, क्यों नहीं होंगे? हैं? विदेश से आवाज निकलेगी तो निकलेगी। तो रिसीव करने वाला दिल्ली भारत का दिल्ली होगा या वो अलग होगा? भारत की दिल्ली, वो दुनिया की, विदेशों की दिल्ली कौन सी है? है जो भारत की दिल्ली है सो विदेशों की दिल्ली है। भारतवासियों ने भी दिल्ली पर राज किया, विदेशियों ने भी दिल्ली पर राज किया। दिल्ली की गोद में सबको ही पले हैं। दिल्ली सब धर्म वालों की अम्मा है। अबू रोड से अब तक क्यों कब लगता है? अबू रोड से अब तक क्यों लगना? आवाज निकलेगी तो क्यों भी लगेगा, आवाज ही नहीं निकलेगी तो क्यों कैसे लगेगी? पहले आवाज निकलेगी कि पहले क्यों लगेगी? क्यों लगेगी? वो समय क्या, कौन सा समय? अरे सारी कथा खत्म हो गई, अभी तक यही पूछ रहे। अरे भगवान की प्रत्यक्षता का टाइम कौन सा हुआ? 2018। प्रत्यक्षता की शुरुआत है 76 और अंतिम आहुति है 18। उसमें फिर वृद्धि होती जाएगी। अल्लाह मियाँ माने खसम, पति, हस्बैंड। तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है तो कौन हुआ? बीवी का मियाँ हुआ या नहीं हुआ? और 18 में बाबा ब्रह्मा बाबा का तो 50 साल सूक्ष्म शरीर से भी खत्म हो जाएगा, तो उनका क्या जन्म होगा? स्थाई शरीर होगा, जन्म नहीं होगा। अभी तो आते हैं, अनिश्चय पैदा हो जाता है तो भाग जाते हैं, गुलजार दादी में चले जाते हैं। और बाबा आज की मुरली में दो जग का शब्द आया है, दो जग माने नरक। भक्ति मार्ग में भी ये कानून है या गवर्नमेंट में भी है, जो भी शरीर छोड़ने वाला अंतिम समय है उस समय उसका इच्छा क्या है देख करके उसको पूरा करते हैं? उसका ज्ञान में बेहद का अर्थ क्या है? ज्ञान में भी यही है, सारी जिंदगी मनुष्य जो है कौन सा विकार भोगता है? काम विकार भोगता है। काम विकार सारी जिंदगी भोगा तो मन में कौन सी इच्छा रहती है जो तृप्त नहीं होती है? वो ही काम विकार तो अंत मते सुगते हो जाती है। यहां भी ऐसे ही है, जीते जी मरेंगे तो इच्छा तो देखी जाएगी ना। अपनी अपनी पढ़ाई अलग अलग है, सब एक जैसी पढ़ाई तो पढ़ते नहीं है। वो लोग
इच्छा को पूर्ण करना ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ, तो सबकी इच्छा पूरी करेंगे, भगवान आवेंगे तो किसी की इच्छा रह जाएगी क्या? आखिरी इच्छा 84 जन्मों में देखी जाएगी, कौन सी आत्मा की क्या इच्छा है? सन्यासियों की क्या इच्छा होती है? मुक्ति इच्छा की होती है, मुक्ति की इच्छा होती है, या स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है? सन्यासियों की इच्छा होगी हमें मुक्ति मिले, तो उनको मुक्ति मिलेगी। और दक्षिण भारत की और खास करके तमिलनाडु की तरफ कार्तिक स्वामी की बहुत महिमा होती है। हाँ जी। और उसमें एक जगह है पैनी करके एक जगह, वहाँ पर जो मूर्ति जो है उसे बनाया गया है 9 तरह के पॉइजन से है, 9 तरह के पॉइजन से बनाया गया है। भाषण करके बोलते उसको, उसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या वो जो मूर्ति जो बनी है वहाँ पे उसको बनाया? अरे एक एक बात पूछो, कहीं कार्तिकेय की बात पूछ रहे। कार्तिकेय की मूर्ति जो है वो 9 तरह के पॉइजन से बनाया गया है विष से। हाँ जी। उसका क्या अर्थ? दस धर्म हैं, टोटल धारणाएं कितनी प्रकार की हैं? टोटल धारणाएं कितने प्रकार की हैं संसार में हैं? और नास्तिक कहाँ चले गए? वो धारणा नहीं है, वो भी तो एक धारणा है। तो पहले वाले को निकाल दो जो सबसे श्रेष्ठ है, अव्वल नंबर, बाकी 9 को ले लो। वो 9 पॉइजन है, अमृत नहीं है। हाँ, वो मारने वाली चीज है, मारने वाला तत्व है। अब गिन लो चंद्रवंश से लेकर के आखिरी तक कितने वंश हुए, कितने धर्म हुए? 9 हो गए। जो कार्तिकेय है वो 6 मुख वाला दिखाया जाता है, 6 प्रमुख विदेशी धर्मों में और स्वदेशी धर्मों में, लेकिन हैं दोनों ही विधर्मी। ऐसे विधर्मियों में वास करने वाली बुद्धि कार्तिकेय की है, भटकता रहता है। एक जगह बुद्धि एक बात नहीं बोलेगा, कभी इस्लामियों के पक्ष में बोलेगा, कभी बौद्धियों के पक्ष में एक मुख बोलेगा, कभी तीसरा मुख क्रिश्चियंस के पक्ष में बोलेगा। सब धर्मों के भक्ति मार्ग को पकड़ने वाला है, नौधा भक्ति को पकड़ने वाला है। भक्ति पॉइजन है, इसलिए 9 प्रकार का विष इकट्ठा करके बनावट बना दी। और 6 विधर्मी हैं मुख्य, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, मोहम्मद, सन्यासी और सिख। छह मुखों से बात करता है, 6 कृतिकाओं से उसका जन्म होता है, पालने वाली बनती है। माताएं माने धरणी, 6 प्रकार की धरणी उन्हें पालना देती है। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, विदेशियों में ही उसकी भी विशेष पूजा होती है। विदेशियों में भी ठेठ विदेशी है तमिलनाडु। Thank you.
आज भी वहाँ हिंदी को कोई प्रेफरेंस नहीं है। है एक जगह नहीं है, है? हिंदी नहीं जानता है, हिंदी जानता है, इधर बहुत कुछ हिंदी जानता है। तमिलनाडु में तो हिंदी सिखाई नहीं जाती सरकारी तौर पर। उनका क्या, उनका रीजन क्या बोलते हैं, दिल्ली में है वर्ल्ड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट करके एक जगह है, वहाँ पर जाएंगे ना दुनिया के जितने भी अक्षर जो है उसकी सब वर्ड में से कोई भी मिलेगी, हाँ सब एक से मिलेगी, लेकिन एक तमिल भाषा की जो वर्ड है वो मिलेगी नहीं। हम सबसे आदि है तो हम क्यों मिल जाके माने जाओ, हम नहीं मानेंगे हिंदी। वो तो ठीक है, जय अम्मा आती कहाँ से है, तमिलनाडु से ही आती है। और बाबा करना नहीं बोला, बाबा हिंदी नहीं चलते कुछ भी हो। जयलता मुख्यमंत्री बन के रही कि नहीं रही, अभी न सही, लंबे समय तक जितनी वो मुख्यमंत्री बन के रही उतना और कोई रहा, लंबे समय तक उसने राज्य किया तो भी हिंदी को बढ़ावा नहीं दे पाई। और है वो ये प्रॉब्लम जो है हिंदी का, हाँ। जयललिता आने से पहले से ही है। 65, लेकिन सवाल ये है कि जयललिता ने हिंदी को बढ़ावा दिया या नहीं दिया। करुणा ने तो इनकार कर दिया, नहीं मानेंगे हिंदी को। उससे पहले एमजीआर तो उसने भी कोई बढ़ावा नहीं दिया, उसने तो बहुत ज्यादा, नहीं वो 40 साल का पहले ही वो हिंदी निकाल दिया जो बड़ा ऐसा स्कूलों में निकाल, इसीलिए तो बताया उसका नाम ही है तमिलनाडु। तुम हमसे नहीं मिलते तो हम तुमसे नहीं मिलते। और विदेशों में ये भाषा का प्रॉब्लम है, क्यों टकराव आता है, है? बड़े लोग आता है ना, हाँ भाषा का प्रॉब्लम है, धर्म का प्रॉब्लम, वो टकराव आता है कैसे कैसे, क्योंकि भगवान को नहीं मानते ऐसे। चलो टाइम हो गया। जी ऐसा भक्ति मार्ग में मानते हैं कि मंदिर में अगर मुकुट गिर जाए या गोपुर गिंचे गिर जाए तो कोई ना अनिष्ट होने वाला है। दो तीन मंदिरों में गिर चुका है जी।
हाँ है। अभी तो बाप कहते हैं सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गिर जावेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जावेगा। तो एक दो मंदिर गिरे तो कोई बड़ी बात है क्या? विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है, इसका क्या मतलब है? विश्व के बादशाह होते हैं लक्ष्मी नारायण, उनका श्रृंगार याद नहीं है? है? उनको इतना सजा हुआ दिखाया जाता है, क्या इतना तामझाम पहन करके रहते हैं? यह दिव्य गुणों के श्रृंगार की बात है, है? दिव्य गुणों का श्रृंगार है। वो दिव्य गुणों का श्रृंगार याद रहेगा तो हम भी ऐसा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। और यूपी को धर्मयुद्ध का खेल दिखाना है, इसका क्या अर्थ है? और वेद में यूपी क्या है? यू माने क्या है? तुम। और पी माने क्या है? पी जाओ माना तुम पी जाओ। क्या पी जाओ? जो भी ज्ञान जल है, जिसने सारा का सारा ज्ञान जल पी लिया उसका नाम पड़ गया यूपी। इसलिए यूपी में भगवान का जन्म दिखाया जाता है, चाहे वो कृष्ण के रूप में भगवान दिखाया जाता हो, चाहे राम के रूप में दिखाया जाता हो, और चाहे शंकर के रूप में दिखाया जाता हो। राम की जन्मभूमि अयोध्या भी यूपी में है, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा भी यूपी में है, और शंकर की यादगार काशी नगरी भी यूपी में है, और तीनों ज्ञान की नदियां वो भी यूपी में ही दिखाई जाती हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो तीनों नदियों को ज्ञान जल से भरपूर हो जाना है, तब कहेंगे यूपी, ज्ञान जल को भरपूर पिया। और ऐसी नदियों को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। इलाहाबाद में तीनों नदियां इकट्ठी हो जाती हैं, उसका नाम है इलाहाबाद। किसकी नगरी है? अल्लाह की नगरी है। तीनों नदियां जब इकट्ठी हो जाएंगी तब वो मेला चलता है। और जोर से बोलो, पंखा बीच में है तो आवाज कट जाती है। दक्षिण भारत, भारत का भी देश है, दक्षिण भारत में अष्टदेव गायन है। अष्टदेव का गायन है, लेकिन अष्टदेव जो है उनमें से ज्ञान की नदी कोई नहीं है। ज्ञान की तीन नदियां अलग हैं, जो बाप को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त बनती हैं।
अष्टदेव दक्षिण भारत से प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि आठ देवताओं में से जो मुख्य पहला है वो स्वदेशी है या विदेशी है? स्वदेशी है। बाप विदेशी बनकर के आए हैं या स्वदेशी बनकर आए हैं? बाप खुद ही विदेशी बनकर आया है। तो जब बाप ही विदेशी बनकर के आया है तो बाकी जो सात बच्चे हैं वो भी विदेशी हुए। इसलिए दक्षिण भारत में आठ देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, वो विदेशी बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। और जब आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो आत्मा की याद से सारी शक्ति सतो प्रधान बनेगी। पाँच सौ सात सौ करोड़ का वाइब्रेशन खलास हो जाएगा। पाँच सौ सात सौ करोड़ रहेंगे ही नहीं, वो पहले ही हाय हाय करके खत्म हो जाएंगे। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो एक तरफ होगा हाहाकार और दूसरी तरफ होगा जय जयकार। जो जय जयकार करने वाले हैं वो बाप की याद में रहकर सतो प्रधान सृष्टि का निर्माण करेंगे, और जो हाहाकार करने वाले हैं क्या करेंगे, निर्माण करेंगे या ध्वंस करेंगे? ध्वंस कर देंगे। दोनों साथ साथ होता है, स्थापना के साथ साथ विनाश भी शुरू हो जाता है। इसलिए बोला है व्यक्तवाणी में, यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश कुंड, यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी निकली। आज से सत्तर साल पहले न भगवान आया था स्थापना करने के लिए, और न सत्तर साल पहले एटम बमों का नाम निशान था। सत्तर साल पहले भगवान भी आया तो साथ साथ एटम बमों का ज्ञान भी आ गया, एटम बम भी बन गए, जिनका पहला परीक्षण 1942 में हिरोशिमा नागासाकी में हो गया। और फायदा कम है और नुकसान ज्यादा है, और दुनिया की ज्यादा परसेंटेज आत्माएं उससे लाभ ले पाती हैं या कम परसेंट आत्माएं हैं जो लाभ ले पाती हैं? कम परसेंट लाभ ले पाती है। तो जो लाभ लेने वाले हैं वो कम हैं, और जिनको लाभ नहीं मिलता है पूरा भरपूर साइंस का, वो दुआ देंगे या बद्दुआ देंगे? क्या देंगे? बद्दुआ देंगे। इसलिए साइंस का ध्वंस हो जाएगा और साइलेंस की शक्ति बढ़ जाएगी। मंदिर में आपको पूजा करता है नाग। हाँ।
क्या जानता वो भक्ति? अरे अभी तक यादगार पहचान नहीं पाई शिव के चित्र में? शिव के चित्र में भी वो यादगार है, कृष्ण के चित्र के साथ भी वो यादगार दिखाई जाती है सर्प की, और विष्णु के चित्र के साथ भी यादगार सर्प की दिखाई जाती है। सांपों की सैया पर विष्णु लेटा हुआ है। सांप खतरनाक होता है या फायदेमंद होता है? खतरनाक होता है। ऐसी खतरनाक आत्माओं को भी क्या बना लिया? सहयोगी बना लिया या विरोधी बन के रही? सहयोगी बना लिया। ये योग बल की शक्ति है। अब वो कृष्ण के रूप में दिखाया जाए, सांप के फन के ऊपर डांस करता हुआ, चाहे शंकर के रूप में दिखाया जाए, सांप गले पड़ गए, सांप जैसी खतरनाक आत्माएं भी अगर गले पड़ जाएं, तो उनको भी गले लगा करके रखना, झटकार के फेंक नहीं देना। आओ हम तुम्हारी भी पालना करेंगे। डरने या भाग जाने की बात नहीं है। तो वो तो कालहस्ती है। नाम क्या दिया? श्री कालहस्ती। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। कालों का काल महाकाल कहा जाता है। उसमें तो कितनी शक्ति होगी? साधारण होगी या असाधारण होगी? असाधारण शक्ति है। खतरनाक से खतरनाक आत्माओं को भी अपना सहयोगी बना के रख लेना। घबराना नहीं। जन्म लेने वाले राधा कृष्ण की तरह, अभी ब्रह्मा सरस्वती ने शरीर छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया? तो जो चंद्रवंशी है और अंत तक चंद्रवंशी ही रहेंगे, सूर्यवंश को ग्रहण नहीं करेंगे, माना सूर्यवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी होते हुए भी सूर्यवंश में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो क्या होगा उनका रिजल्ट? शरीर रहते रहते अगर कन्वर्ट नहीं हुए तो उनको जन्म लेना पड़ेगा। जन्म देने के लिए कोई निमित्त तो और बनेगा। जो जन्मदाता रचयिता बनेंगे वो ऊंच पद वाले होंगे या जन्म लेने वाले ऊंच पद वाले होंगे? देने वाले ऊंच पद वाले होंगे, क्योंकि रचयिता हो गए, उनको रचना बनना पड़े। तो वो ब्रह्मा सरस्वती की तरह सब शरीर छोड़ेंगे, छोड़ते जा रहे हैं। उनको इस दुनिया में ये शरीर नहीं मिलेगा अपना। जब दुनिया का विनाश हो जाएगा, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपना शरीर त्याग देंगी, सिर्फ 4.5 लाख ऐसे रह जाएंगे जो अपने शरीर से पुरुषार्थ करके नई दुनिया की रचना करने के निमित्त बनेंगे।
उनके यहाँ उनको जन्म लेना पड़े। अभी वो आत्माएं उनमें प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ेंगी, पढ़ रही है क्या? स्वर्ग में भी पद उनको तब मिलेगा जब यहाँ पढ़ाई पूरी करें। और अभी तो बताया श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ काल जिसको कहते हैं महाकाल, और उसकी हस्ती, हस्ती माने स्टेज, उसकी ऊंची से ऊंची स्टेज है। महाकाल से तो सब डरते हैं, काल से ही डरते हैं, तो महाकाल से तो और ही डरते हैं, तो कालों का काल महाकाल कहा जाता है। और एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है, एस्ट्रोलॉजी हाँ, एस्ट्रोलॉजी में एक तो आत्मा इतना ईयर रहा, इतना साल रहा, इतना साल उसका जीवन इतना दिन तक तो है ना। हम पहले से बता देते हैं, हाँ जी, अस्सी साल देंगे, सौ साल देंगे, हाँ जी हाँ जी। वो अभी यूट्रोल आने का पहले संक्रमित का 100 ईयर क्लियर हो जाए, वो अस्सी जी वो है एस्ट्रोलॉजी। हाँ एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी लॉजी हो, भगवान की पढ़ाई हुई लॉजिक के आगे सारी लॉजिक नीची पड़ जाती है। है ये भी एक मैथमेटिक है, मैथमेटिक का टीचर गलत हो सकता है या नहीं हो सकता है? गलत हो सकता है, लेकिन ये ऐसा टीचर है जो 100% हर प्रकार की लॉजिक को फेल कर देगा, और जो ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं वो ही पास होगी, उसमें सारी लॉजिक समा जाएगी, सारी पैथी समा जाएगी। मनुष्य अल्पबुद्धि है, अल्पबुद्धि होने के कारण उसका मैथमेटिक फेल हो जाता है, मैथमेटिक में भूल हो जाती है। ये एस्ट्रोलॉजी भी एक प्रकार की मैथमेटिक है। तो भगवान जो मैथमेटिक पढ़ाता है उसमें 100% सफलता है। आगे चल के ये एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी लॉजी हो, सब अपने अपने तरीके से ईश्वरीय ज्ञान को सिद्ध करेंगे। और आकर्षण के कंट्रोल में है, भगवान आने का है, भगवान आने का पहले है, आने के भगवान आने के पहले नौ ग्रह का सब सब कैसा कंट्रोल है, तो हो रहा है सब सब कैसे, हिसाब किताब कैसे चुपतू होगा? वो तो आत्माएं हैं पावरफुल या जड़ ग्रह पावरफुल हैं? है
चैतन्य पावरफुल है, तो चैतन्य आत्माएं पावरफुल तब बनेगी जब अपने स्वरूप को समझ जावेंगी। अपने स्वरूप को समझ जाने के बाद उनमें एकाग्रता की शक्ति ऐसी बढ़ेगी कि वो ग्रह जो जड़ ग्रह हैं वो भी उनके द्वारा कंट्रोल होने लगेंगे। अभी अपने स्वरूप से अपनी शक्ति से अज्ञात हैं, अपनी शक्ति का उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए कमजोरी भरी पड़ी है। ज्ञान पूरा दे देना, बाप का अर्थ ही है आत्माओं का बाप अर्थात ज्ञान। जो ट्रुथ है वो ही बाप है। तो सच्चाई सारी नीचे दे दी या नहीं दे दी? और उस सच्चाई को जिस किसी भी आत्मा ने पूरा ग्रहण कर लिया तो वो बाप समान बन गया, और वो बाप का नाम बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। आज की भारतीय परंपरा में भी एंड सन्स कंपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, तो ये भी बाप और बेटे की कंपनी है। बाप कहते हैं कि शिव के साथ पार्वती की कंपनी नहीं है, तुम सब पार्वतियां हो। माने आत्माओं की बात है या कोई फीमेल की बात है? आत्माओं की बात है। तो आत्माओं के बीच में कोई ऐसी आत्मा है जो शिव को 100% फॉलो कर लेती है निराकारी स्टेज में। इसलिए शिव और शंकर की प्रवृत्ति है, शिव और पार्वती की प्रवृत्ति नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। जो बोलते हैं शिव पार्वती, वो समझते नहीं है कि शिव के साथ कौन सी पार्वती पीछे पीछे साथ साथ गई। कोई आत्मा रूपी पार्वती है या कोई फीमेल गई? कोई आत्मा है जो गई साथ साथ, बाकी सब पीछे पीछे बारात जाती है। हाँ है, अस्सी साल हो जाता है। हाँ जी, वो 20 साल उनका बाप वानप्रस्थी होता है ना, तो जब वानप्रस्थी बाप होता है तो बच्चे को सारा कारोबार सौंप देता है। बच्चा विश्व का बादशाह बन गया तो बाप का काम समाप्त हुआ या रह गया? बाप का काम समाप्त हुआ। दो हजार अठारह के बाद जो तमो प्रधान आत्माएं हैं, उन तमो प्रधान आत्माओं में से जो संपूर्ण आत्मिक स्थिति को प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, वो 2018 से लेकर के 2028 तक 10 वर्षों में कंप्लीशन प्राप्त करेंगी। बाकी सारी दुनिया की बात बाद में। इसलिए बोला है
तुम बच्चों को, अर्थात कितने बच्चों को, जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले बाप के आत्मा रूपी बच्चे हैं, उन बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो कब से गिनेंगे हैं? हैं? 76 से गिनेंगे, 76 से लेकर के 2018 तक 40 वर्ष कोई पहली आत्मा निकलती है, साथ साथ और भी 8 आत्माएं निकलती हैं। वो पूरा एक परिवार बन जाता है, परिवार की इकाई तैयार हो जाती है, हैं तो सब नंबर वार, और बाद में 10 साल में तो 4.5 लाख की संख्या है वो पूरी हो जाती है, जिनमें 4.5 लाख प्रवेश होकर के पार्ट बजाते हैं। टोटल 9 लाख सितारे संसार में ऊंची स्टेज के आसमान में चमकते हुए दिखाई देंगे सारी दुनिया वालों को। शिव माने कल्याणकारी, शंकर माने विनाशकारी। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम्हें कल्याण करना अच्छा लगता है, अपना कल्याण करना है या विनाश कराना है? क्या कराना है? कल्याण कराना है। तो शिव बाबा को याद करो, ये कभी थोड़े ही कहा शंकर बाबा को याद करो, शंकर तो बाबा होता भी नहीं। हाँ सारी दुनिया समझ गया, 2018 फिर वही बात, अरे दो आत्माएं मिलकर के एकाकार होती हैं सिर्फ, ये सच्चाई एक के बाद एक करके फैलती जाएगी, पहले बच्चों में फैलेगी या पहले दुनिया जानेगी, पहले कौन जानेंगे हैं? बच्चे जाने, और बच्चे भी 1 सेकंड में जानेंगे या 10 साल में जानेंगे, बच्चों को भी 10 साल का टाइम लगेगा। बाद में 4.5 लाख बच्चे और 4.5 लाख प्रवेश करने वाली आत्माएं, दोनों की शक्ति मिलकर के फिर सारे संसार को अवगत कराएंगे रचयिता बाप और रचना के बारे में। हाँ, जैसे वहाँ कहते हैं 36-37, 76 में कहते हैं 76-77, 77 है संपूर्णता वर्ष, ऐसे यहाँ भी 2036-37 चलेगा, 37 के बाद हो सकता है 38 भी शुरू हो जाए, इससे जास्ती का गुंजाइश नहीं। दुनिया वालों को समझाने के लिए, दुनिया में विनाश बरपा होने के लिए, और 500 करोड़, हाँ जी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जब तक पूरा बाप का परिचय न ले लेवे और बाप की बपौती को स्वीकार न कर लेवे, गॉड फादर को मान न लेवे, तब तक ड्रामा पूरा नहीं कहा जा सकता। ज्ञान का पीना और पिलाना चलता रहेगा, जब तक जीना है देह अभिमान में तब तक पीना पड़ेगा। वो तो 500 करोड़ आत्माएं नंबर वार हैं,
तो अंत तक पीती रहेंगी। और डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, है? हाँ, 18 के बाद सन्मुख नहीं होगा, 2018 के बाद, 28 के बाद सन्मुख नहीं होगा, दुनिया वाले सामने देखेंगे नहीं आंखों से। जिन्होंने गांधी जी को आंखों से नहीं देखा, क्या वो गांधी जी को याद नहीं करते हैं? तो ऐसे ही अखबार में देखेंगे, टीवी में देखेंगे और याद करेंगे।